Good morning, Pocket. मेरे सारे पॉकेट्स कहाँ से आ गए? पॉकेट, तुझे पता है तेरा नाम पॉकेट कैसे पड़ा? हमारे पास ना एक स्मॉल पॉकेट था जो कि बहुत जल्दी हमसे दूर हो गया था। उसके जाने के बाद मैं ना बहुत उदास हो गया था। मैं जो भी डॉग देखता था, मुझे उनमें ना मेरा स्मॉल पॉकेट ही नजर आता था। तो जो भी डॉग मैं घर पे लेके आया ना, मैं उसको पॉकेट पॉकेट करके ही बुलाता था। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने हर डॉग का नाम पॉकेट क्यों रखता हूँ। उसका रीजन ये है कि स्मॉल पॉकेट ना हमारा सबसे पहला डॉग था। वो हमारी यादों में हमेशा बरकरार रहे, इसलिए मैं सारे डॉग्स को ना पॉकेट बुलाता हूँ। पॉकेट, तुझे पता है तुझसे पहले हमारे घर में कितने सारे डॉग्स आ चुके हैं? काश मैं उन सबसे तुझे मिला सकता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। आई लव यू माई क्यूटी पॉकेट, आई लव यू। आ गए दोनों मस्ती करके? हाँ मम्मी। आ जाओ। उस दिन मैं पॉकेट को अपने सारे पॉकेट्स के बारे में बता रहा था। काश मैं उन सबसे वापस से मिल सकता। अरे वाह, टूटता हुआ तारा। मैंने सुना है टूटते हुए तारे से कुछ भी विश मांगो ना, वो सच में पूरी हो जाती है। मेरी विश है कि मैं अपने सारे पॉकेट से वापस से मिल सकूं। काश मेरी ये विश सच में पूरी हो जाए। गुड नाइट पॉकेट। अरे इसको तो गुड नाइट बोलते ही नींद आ गई। हाय पॉकेट। बिग पॉकेट, सुपर सीक्रेट पॉकेट, मैक्स सीक्रेट पॉकेट, मेरे सारे पॉकेट्स वापस आ गए। मेरी विश है कि मैं अपने सारे पॉकेट से वापस से मिल सकूं। मैंने टूटते तारे को देख के विश मांगी थी कि मैं अपने सारे पॉकेट से मिल सकूं, और मेरी विश पूरी हो गई। पॉकेट। लेकिन अगर मम्मी पूछेगी कि ये सारे पॉकेट्स कहां से आए तो मैं क्या बोलूंगा? जग्गू आजा। हाय आशु। आशु पॉकेट कहाँ है? पॉकेट वो ना अभी सो रहा है। बीगल, ये बीगल कहाँ से आया आशु? अंदर चल, अंदर चल। आशु तूने बताया ही नहीं ये बीगल कहाँ से आया। अरे ये सिर्फ बीगल ही नहीं, मेरे पास जितने भी पॉकेट थे ना वो सब मुझसे मिलने आए। सभी पॉकेट्स? आशु मुझे ज्यादा डॉग्स देखकर डर लगता है, अब मैं घर जा रहा हूँ आशु। बाय। ठीक है तू घर जा, बाय। अगर ये सारे पॉकेट्स मम्मी के सामने बाहर आ गए तो मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगा? मुझे इन सबको
समझाना पड़ेगा कि ये अंदर रहे, बाहर ना आए। अरे लड़ना बंद करो तुम सब। सुनो, थोड़ी देर में ना मम्मी बस गुड नाइट बोलने आने ही वाली है, उसके बाद मैं तुम सबको बाहर लेके आता हूँ, ठीक है? बेटा बहुत रात हो गई है, सो जाओ। ठीक है मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। चलो अब तुम लोग बाहर आ सकते हो, लेकिन एकदम चुपचाप। हाँ आ जाओ। सुनो पॉकेट्स, अब मैं ना तुम सबको एक एक करके खाना खाने बुलाऊंगा। अगर मैंने तुम सबको एक साथ बुलाया और खाना अलग भी डाला तो भी तुम सबने एक में ही अटैक करना है, तो अभी ना मैं एक एक करके बुलाऊंगा, ठीक है? बिग पॉकेट सबसे पहले तू आ जा, बाकी सब। तुम दोनों ने खा लिया, अब जल्दी से अंदर जाओ। आज नॉटी पॉकेट सबसे पहले खाएगा। पिक पॉकेट, हम ऑलरेडी खेल चुके हैं, अभी हम बाहर नहीं जा सकते। चुप हो जा, मम्मी आ जाएगी। अरे मैक्स, मतलब पॉकेट तू भी शुरू हो गया, तू तो चुप हो जा। अरे इन दोनों को बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने, ये भी उठ गए ना, ये भी चिल्लाना शुरू हो जाएंगे। अरे मम्मी आ जाएगी, चुप हो जाओ दोनों। आशु बेटा, ये कैसी आवाजें आ रही है? आशु बेटा दरवाजा खोलो। आशु बेटा आ गई मम्मी। दरवाजा खोलो आशु बेटा। हाँ मम्मी। आशु बेटा तुम्हारे कमरे से ये कैसी आवाज आ रही है? वो मम्मी पॉकेट शोर मचा रहा है। पॉकेट? लेकिन पॉकेट तो बाहर है। वो मम्मी मैं ना पॉकेट की पुरानी वीडियोस देख रहा हूँ। वो क्या है ना, मैं ना डॉग्स की ना भाषा सीखने की ना कोशिश कर रहा हूँ आजकल। आपको बताऊँ, वो 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 वो, इसका मतलब है अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, अब जाओ। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। पॉकेट चलो क्लीनिंग करेंगे। ओ पॉकेट मम्मी की हेल्प करने आया है, आप यहाँ पर बैठो, मम्मी सफाई करेगी। ओके सुनो पॉकेट्स, मम्मी ना अभी पॉकेट के साथ खेलने में बिजी है, यही सही मौका है तुम सबको वॉक पे ले जाने का, लेकिन एक साथ नहीं, एक एक करके, ठीक है? बिग पॉकेट अपनी चेन लेके आ, घूमने चलते हैं। और तुम सब किसी ने भी मस्ती की ना तो मैं किसी को भी घुमाने नहीं ले जाऊंगा, इसलिए मैंने टूटते तारे से विश मांगी थी कि मैं सारे पॉकेट से मिल सकूं, पर मुझे क्या पता था कि मेरी विश सच में पूरी हो जाएगी। अगर मम्मी ने पूछा कि ये सारे पॉकेट्स कहां से आए तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि बिग पॉकेट को तो हमने नाना नानी को दे दिया था,
और वो मैक्स उसको तो उषा आंटी वापिस ले गई थी, और सीक्रेट पॉकेट उसकी ओनर तो उसको लेके शिफ्ट हो गई थी। अभी घर में टोटल 5 पॉकेट्स हैं। मैं तो स्कूल चला जाता हूँ, मम्मी से एक पॉकेट संभाला नहीं जाता, इतने सारे कैसे संभालेगी? क्या करूंगा मैं, कैसे बताऊं मम्मी को? हाय आशु। हाय जग्गू। आशु हाँ? तू सारे पॉकेट्स को घुमाने नहीं लाया? तू पागल है क्या? इतने सारे पॉकेट्स को मैं कैसे लेके आता? तुझे पता है कितनी मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ इन सबको? अभी इन सबको खिला के सुला के आया हूँ। आशु बता, तेरे पास सारे पॉकेट्स कहाँ से आए? वो बहुत लंबी कहानी है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मम्मी को इन सब के बारे में कैसे बताऊं। आशु तूने आंटी को क्यों नहीं बताया? वो मैंने मम्मी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मम्मी देखो हमारा न्यू डॉग। आशु आशु मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। बाय आशु। आशु बेटा। हाँ मम्मी। बेटा मैं कीर्तन में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है मम्मी। तुम पॉकेट का ख्याल रखना, ठीक है? मम्मी ना अभी बाहर गई है, मैं बस वॉशरूम जाके आ रहा हूँ, तो नो लड़ाई झगड़ा। ये सारे कहाँ चले गए? दरवाजा तो खुला है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? थोड़ी देर में मम्मी आ जाएगी, कमरे में रहो। अरे क्या कर रहे हो? बिग पॉकेट, बिग पॉकेट रूम में जा। अरे क्या हालत कर दी तुम सबने घर की? तुम सबने बहुत उधम मचा लिया, अब चुपचाप से कमरे में चलो। मम्मी आ गई। आशु बेटा दरवाजा खोलो। अरे कितने चलाक हो तुम सब, दरवाजा क्यों? मम्मी के आते ही भाग रहे हो। आशु बेटा, अरे आशु बेटा दरवाजा खोलो बेटा, इतनी देर से दरवाजा बंद क्यों है? आशु बेटा क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो बेटा। नहीं। पॉकेट, सारे पॉकेट्स कहाँ गए? इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। आशु बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मी, वो ना मैंने ना पूरा सपना देखा। इसीलिए बोलती हूँ हॉरर मूवीज मत देखा करो। हाँ मम्मी। अब जाओ पॉकेट को घुमा कर ले आओ। हाँ पॉकेट तू ना अकेला ही अच्छा है, वैसे मुझे उन सबकी याद आती तो है पर उन सबको एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है। आई लव यू पॉकेट। हाय गाइस, आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सेफ होंगे। फिलहाल हमें घर पे रहना बेहद जरूरी है ताकि हम कोरोना को फैलने से रोक सके। आई होप आप सभी को हमारे क्यूट से पॉकेट्स को एक साथ देखने में बहुत मजा आया होगा। अब फटाफट से मोहक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं।
हमें और कौन से न्यू टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन भी दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।